लगातार बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर के लोगों ने मंगलवार सुबह हल्की राहत महसूस की। मंगलवार सुबह 5 बजे के बाद हल्की ठंडी हवाओं के चलते गर्मी का असर कम रहा और इसके बाद लगातार गर्मी कुछ कम होती दिखी, लेकिन इससे राहत के तौर पर नहीं देखा जा सकता। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार मंगलवार सुबह से ही आसमान पूरी तरह से साफ है और धूप खिली हुई है। दिन भर तेज धूप खिलने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसका असर सुबह से देखा जा रहा है। कुल मिलाकर पूरे मार्च महीने में बारिश नहीं हुई तो आश्चर्य होने की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस पूरे महीने आसमान साफ रहने की भविष्यवाणी की है। वहीं इससे पहले दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों में भी लगातार बढ़ते तापमान पर सोमवार को ब्रेक लगा है, आशंकित गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि गर्मी का सितम बरकरार रहा, दिन भर तेज धूप खिली रही। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को भी ऐसा ही मौसम दिन भर रहेगा, लेकिन गर्मी से खास राहत की उम्मीद लोगों को नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।